गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तीज आ रही है मेन, कि वुमेन्स के लिए तीज बहुत ही स्पेशल होती है, हरतालिका तीज। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी एक साड़ी हॉल लेकर के आई हूँ। और ये साड़ी बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल फेस्टिवल्स के लिए हैं। सिर्फ तीज ही नहीं, आप किसी भी फेस्टिवल, जो आने वाले फेस्टिवल है, लगातार अभी फेस्टिवल्स ही आने वाले, पूरे अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर तक अभी फेस्टिवल ही चलने वाले। फेस्टिवल तो हम घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं, घर पर ही तैयार होते हैं, घर पर ही नए कपड़े पहनते हैं। तो डेफिनेटली आपको इनमें से कोई भी साड़ी चाहिए तो परचेस कर सकते हो। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथ में मैंने वाओ की एक न्यू प्रोडक्ट परचेस की है, ये आप देख सकते हो। ये भी मैंने अमेजन से ही लिया है, वाओ की सनस्क्रीन स्प्रे विथ SPF 50। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी पहले साड़ियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक बांधनी साड़ी परचेस की है। बांधनी सूट आप लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आया तो मुझे लगा कि एक बांधनी साड़ी लेना तो बनता है। तो ये बांधनी साड़ी मैंने परचेस की है और इसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे, पिंक, रेड, ब्लू, बहुत सारे कलर्स हैं। लेकिन मैंने ना यहाँ पे थोड़ी ग्रीन एंड इस तरह की ग्रीन, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरह की कलर कॉम्बिनेशन मिली है। उसमें गोटा पत्ती का वर्क है, मिरर वर्क है, तो बांधनी भी है, गोटा पत्ती वर्क भी है, मिरर वर्क भी है, और इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगाई हुई है। तो काफ़ी खूबसूरत साड़ी लगी मुझे ये, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सेलर है कोई जयपुर का ही सेलर है, तो ये जयपुरिया साड़ी है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की इसकी आँचल है, बहुत ही खूबसूरत सी। इसमें जो लेस की डिटेलिंग है, गोटा पत्ती है ना, बहुत खूबसूरत है। एंड बीच बीच में आप देखोगे तो इस तरह की गोटा पत्ती वाले फ्लावर लगाए गए हैं, कुछ इस तरह के। ओके, लिंक के लिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आपको लिंक कहाँ मिलेगी, मतलब लिंक कहाँ दिया हुआ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वन लिंक मिलेगी, माई होल स्टोर की लिंक। उस स्टोर के लिंक पर आप क्लिक करोगे ना, आपको सारी साड़ियों की या तो मेरी फोटो दिख जाएगी या फिर साड़ियों की फोटो दिख जाएगी विथ प्राइस। आपको जो भी साड़ी परचेस करनी है, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है, पहुँच जाओगे अमेजन पर, वहाँ से आपको परचेस करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लिंक नहीं मिल रहे हैं, ओनली वन लिंक मिल रही है। और वहाँ से आपको जिस साड़ी को परचेस करना है आप उस पर क्लिक करो, आप सारे के प्राइस भी वहीं देख सकते हो। उसके बाद चले जाओ अमेजन पे, वहां से परचेस कर लो। तो ओनली वन लिंक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सारे प्रोडक्ट के ओनली वन लिंक मिलेंगे। तो इस तरह की साड़ी है पूरी। ये जो सिफोन की बांधनी साड़ी होती है ना, बांधनी दुपट्टा होती है, बिल्कुल वही फैब्रिक है। और इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन में जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही कलरफुल है, और फेस्टिवल्स वगैरह में इस तरह के कलर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ब्राइट लगते हैं। तो कुछ इस तरह की है ये साड़ी। एंड इसमें जो ब्लाउज़ की फैब्रिक मिली है आपको, कुछ इस तरह की पूरी ब्लू कलर की मिली है, बहुत ही प्यारे ब्लू कलर में है यार, ये कलर बहुत ही प्यारा है। एंड इसमें आपको इस तरह की लेस मिल जाएगी। तो ये थी फर्स्ट साड़ी, जो आई थिंक 2000 रुपीज़ की है, और प्राइस एक्चुअली में मुझे नहीं लगता बहुत अफोर्डेबल है। तो कोई जयपुर से है तो मुझे ज़रूर बताना इसकी प्राइस क्या होती है, बट ऑनलाइन इस तरह के साड़ीज़ की प्राइस ज़्यादा ही है। अब जो सेकंड साड़ी है गाइज, वो है ये वाली साड़ी। ये एक्चुअली मैंने थोड़ा बंगाली सिस्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस साड़ी को मंगवाया हुआ है, कि उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना इस वीडियो में। तो वो लोग इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पहनते हैं, और दुर्गा पूजा में भी इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चलते हैं, या फिर किसी भी फेस्टिवल में, पूजा पाठ में ये कलर जो है ना, लाइक बेज या फिर ऑफ वाइट एंड रेड या फिर मरून का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये इस तरह की वर्कला सिल्क की साड़ी है। वर्कला के साड़ीज़ जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छी अच्छी डिज़ाइन क्वालिटी मिल जाती है। ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन की बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत हाई प्राइस जाती है, 10,000-15,000 जाती है। तो आपको 1,000-1,200-2,000 रुपये में जो साड़ियाँ मिलती है, जो आपको वही टच देती है, वही फील देती है, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। तो इस तरह की आपको जो ऊपर के साइड की लेस है ना, पतली मिलेगी, एंड पूरे इसमें आप देखोगे तो इस तरह के वोवन वर्क है, मतलब ये प्रिंट नहीं है, ये जरी वाली वर्क है। एंड नीचे के साइड में कुछ इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल सी रॉयल बॉर्डर मिलेगी। तो चलिए पूरी साड़ी ओपन करते हैं। इस साड़ी का मेन पार्ट जो मुझे बहुत ही पसंद आया था वो है इसका आँचल। इसका आँचल जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कुछ इस तरह का। इससे आप फ्रंट में करके भी पहन रहे हो ना तीज वगैरह में, और ऊपर से रेड चुन्नी ले रहे हो जो कि हम सब लेते हैं, तो बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है गाइस। डेफिनेटली ट्राई करना इस साड़ी को, मतलब इस पूरे हॉल में जो मैं आपको साड़ी जो हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ, जो फर्स्ट आपको लेना चाहिए, तो ये साड़ी रिकमेंड करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रॉयल क्लासिक लुक देने वाला है आपको, और आप इसको किसी भी ओकेजन में पहन सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह की पूरी इसकी बॉर्डर मिल जाएगी, एंड पूरी साड़ी में आपको इस तरह का वर्क मिल जाएगा। सिंपल एंड एलिगेंट साड़ी है, इसके बॉर्डर का ही जो लुक है ना वो बहुत ही रॉयल है। क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, आप खुद देख सकते हो इसकी क्वालिटी।
एंड इसमें जो आपको मिलेगी ब्लाउज की फैब्रिक वो इस तरह की रेड कलर की मिलेगी, साथ में इस तरह की बॉर्डर मिल जाएगी। ब्लाउज की फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सिल्क टाइप की फैब्रिक है बट ओरिजिनल सिल्क नहीं है। और ये जो है ना कॉटन एंड सिल्क मिक्स फैब्रिक को क्या बोलते हैं यार, वो मुझे पता नहीं, पर बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। तो ये है सेकंड साड़ी जो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने वाओ की सनस्क्रीन स्प्रे को भी परचेस किया है, बात कर लेते हैं इसकी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा मुझे, मैंने इससे पहले कभी भी यूज़ नहीं किया है लाइक सनस्क्रीन स्प्रे, मतलब स्प्रे आप करो और सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। लाइक इसका जो कॉन्सेप्ट ही है ना वो है शेक 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 बिफोर यूज देन स्प्रे, और इसको आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर देता है। लाइक इसमें एवोकाडो ऑयल है, रेसबेरी है, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है जो आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करते हैं, एंड साथ ही इसमें SPF 50 है, तो जब भी आप बाहर जाते हो कड़कती धूप में इतनी गर्मी में तो आपकी स्किन बिल्कुल भी हार्म नहीं होती है। सो सनस्क्रीन स्प्रे को यूज़ करने के लिए पहले उसे अच्छे से शेक करना है एंड उसके बाद 20 सेंटीमीटर दूर अपने फेस से रख करके स्प्रे करना है। स्प्रे करने के टाइम आपकी आईज क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद इसे अपनी स्किन पे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कहीं भी बाहर जाने से एटलीस्ट 20 मिनट पहले आपको इसे अप्लाई करना है एंड इसे आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज इसमें एवोकाडो ऑयल है, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड हाइड्रेट रखते हैं। ये कड़कती धूप में जब भी आप बाहर जाते हो ना उसकी वजह से जितने भी स्किन में प्रॉब्लम होती है ना, स्किन टैन हो जाती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, रैसेस हो जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही ये वाओ ब्रांड की है एंड वाओ है ट्रूली मेड इन इंडिया ब्रांड, एंड वाओ के सारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो बिल्कुल भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्रुएल्टी फ्री होते हैं और ये किसी भी एनिमल पर टेस्टेड नहीं होते हैं, ना ही इनके किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी एनिमल का कोई भी पार्ट्स यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है मुझे वाओ। साथ ही वाओ एक हिमालयन बोन प्रोडक्ट है, शुरुआत हुई थी हिमालयन से और उसमें अभी तक यूज़ जो किया जाता है ना वो हिमालयन वाटर यूज़ किया जाता है। साथ ही इसके सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया से सोर्स किए जाते हैं। साथ ही वाओ के प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल्स एंड नो एडिटिव्स, तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं यूज़ की जाती है जो आपके स्किन को हार्म करे, सारे ही नेचुरल एंड बेस्ट इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। साथ ही वाओ ब्रांड वोमेन मेन एंड वोमेन पावर्ड ब्रांड है जिसमें 80% जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, वो वुमेन्स हैं, और मे भी यही रीज़न है वाओ के इतने जल्दी ग्रोथ करने का एज अ ब्रांड। वाओ अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्टली मैं तो सारे ही जो अपने प्रोडक्ट होते हैं लाइक फेस वॉश टू ऑयल में वाओ के ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वाओ के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। एंड साथ ही में इनकी जो पैकेजिंग होती है वो भी इको फ्रेंडली होती है, ये आप इजिली डिस्पोज कर सकते हो। बात करते हैं गाइस इस गोल्डन स्टिकर की, तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक बार कोड है, तो ये क्या है ना कि आप किसी भी कोड स्कैनर से स्कैन करोगे तो आप इसके ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हो कि ओरिजिनल है या नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है ही, साथ में इसके ऑथेंटिसिटी को जानने के साथ साथ ही जब भी आप इसको स्कैन करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसको से आप नेक्स्ट परचेस में रिडीम कर सकते हो। ही में वाओ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया हुआ है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक पर जाकर के वाओ ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से जो भी वाओ के आइटम वहाँ से परचेस कर सकते हो। वाओ ऐप में आपको वाओ के प्रोडक्ट पर स्पेशल ऑफर्स मिल जाएंगे। थर्ड जो साड़ी है गाइस वो कुछ इस तरह की है, ये लक्ष्मीपति ब्रांड की है और इसमें आपको इस तरह की और भी साड़ियाँ मिल जाएंगी लेकिन इनके प्राइस जो है वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो इसके साथ में एक पेटीकोट भी आई हुई है आप देख सकते हो, और साथ में है ये साड़ी कुछ इस तरह की, ये भी पूरी प्रिंटेड साड़ी है, ये इस तरह के प्रिंट वही जो पूजा वगैरह में पहनते हैं ना हम, उस तरह की प्रिंट है, येलो कलर की, मतलब प्रिंट नहीं है एक्चुअली में कपड़े की क्वालिटी ही वैसी है, कपड़े में ही प्रिंट है, और इसमें इस तरह की आपको बॉर्डर मिलती है, पूरे साड़ी में इस तरह की बॉर्डर मिलती है। उसकी जो ब्लाउज़ है वो भी सेम इसी तरह की है, ये आप देख सकते हो ब्लाउज और बॉर्डर सेम है और पूरी साड़ी इस तरह की है, सिफोन की साड़ी है ये। तो ये साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे, बट आई थिंक ये अभी स्टॉक में नहीं है, बट इसी तरह की और भी डिफरेंट डिफरेंट साड़ियाँ हैं इस ब्रांड में, मतलब मेरे लेने के बाद ही ये करंटली अनअवेलेबल हो गई थी, ओनली वन पीस लेफ्ट थी, आई डोंट नो वाई, लेकिन अच्छी साड़ी है फेस्टिवल्स वगैरह के लिए। तो इसी ब्रांड में आपको और भी सारे लिंक मेरे माई हॉल स्टोर में मिल जाएंगे, सेम ब्रांड के, सेम क्वालिटी की, बस थोड़ी सी डिफरेंस होगी, लिंक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो साड़ी है गाइज़ वो ये वाली साड़ी है।
अब ये साड़ी देखने में तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रही थी, बट इसकी जो क्वालिटी है ना उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी डिफरेंट टाइप की क्वालिटी है, मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है ये साड़ी। बस इसके कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन की वजह से मैंने इसको लिया था, ये आप देख सकते हो। पूरी साड़ी आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, ऊपर में इस तरह की डार्क पिंक कलर की बॉर्डर नहीं है, बस क्लोथ ही ऐसी है और पूरी इस तरह की, आई थिंक इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, बट इस तरह की हल्की ट्रांसपेरेंट है ये। पूरी साड़ी ऐसी दे दी गई है, इसमें ब्लाउज पीस वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ये साड़ी ऐसी है। तो देखने में खूबसूरत लग रही थी बट ना ही ब्लाउज पीस है, ना ही अलग से कुछ आँचल है, कुछ भी नहीं है, तो पता नहीं, तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो साड़ी है गाइज, वो है ये वाली साड़ी जो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आई थी, इस तरह की है ये। ये भी थोड़ी बांधनी प्रिंट टाइप की ही साड़ी है और इसमें कुछ इस तरह की बॉर्डर मिल जाएगी, बहुत ही खूबसूरत सी बॉर्डर है ये, ये देख रहे हो आप, इस तरह की पूरी साड़ी में आपको बॉर्डर मिल जाएगी। और पूरी इस तरह से दो कलर में है, आप देख सकते हो, थोड़ी बांधनी प्रिंट है, थोड़ी ऑरेंजिश रेड है, इस तरह से है पूरी साड़ी। और ये जॉर्जेट की साड़ी है, ठीक है, और इसकी जो ब्लाउज़ की फैब्रिक है वो इस तरह की मरून कलर में है, एंड साथ में आपको ये बॉर्डर दी गई है। तो ये साड़ी भी काफ़ी अच्छी लगी, इस तरह के प्रिंट के आपको बहुत सारे साड़ी मिल जाएंगे अमेज़न में, मुझे जितनी की भी सिमिलर आइटम मिलेगी सबके लिंक आपको मिल जाएगी माई होल स्टोर में, तो आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। अब क्योंकि फेस्टिवल से तो मैंने दो और साड़ियाँ मंगवाई हैं, बट वो मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मिली है, एक में भी कल मिल जाए और एक थोड़ा टाइम लगेगा आने में, इसलिए उन दोनों के लिंक भी मैं नीचे ऐड कर रही हूँ। और ये जो फर्स्ट साड़ी आप ग्रीन देख रहे हो, आ जाएगी वीडियो डालने से पहले डेफिनेटली मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, लाइक येलो है, रेड है, पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, क्या नहीं है, सारे ही कलर है, बट मैंने यहाँ ग्रीन कलर में मंगाया हुआ है क्योंकि मुझे ग्रीन बहुत ही अच्छा लगा। इसमें ना पतली पतली गोटा पत्ती की लाइनिंग बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट लगा मुझे, और सिफोन की साड़ी है तो बहुत ही अच्छा सा लाइट सा लुक देने वाला है, और मुझे सिफोन की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये साड़ी मैंने मंगाई है, आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। एंड जो सेकेंड साड़ी है वो मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी, जिसकी मैं वेट कर रही हूँ कि पता नहीं कैसी होगी कैसी होगी कैसी होगी, फोटो में बहुत अच्छी थी, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। ये जेनेरिक ब्रांड की है और ये भी थोड़ी प्रिंटेड साड़ी है, बांधनी प्रिंटेड नहीं पर थोड़ी प्रिंटेड साड़ी है और बहुत अच्छी सी बॉर्डर लगाई हुई है। तो ये साड़ी का भी मैं वेट कर रही थी और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसे हॉल में दिखाने के लिए, लेकिन जब तक ये आएगी तब तक हो सकता है कि मेरे पास आए फिर मैं वीडियो बनाऊँ तो हो सकता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। तो यदि आपको पसंद आ रही है कि आपको इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए या डिज़ाइन चाहिए, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, नहीं पसंद आए तो रिटर्न भी कर सकते हो। तो अगर आपको तीज के लिए चाहिए तो डेफिनेटली इसे मंगा सकते हो। तो ये साड़ी थी सेकंड साड़ी। सो गाइज, ये थी मेरी आज की साड़ी हॉल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले, एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।